सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यू आर वॉचिंग पैक मीडिया ऑन मोदी। लेकिन सर हमें एक पहलू पे गौर करना होगा, और अगर आप पढ़ी लिखी बात करते हैं, पढ़ा लिखा शख्स वो होता है जो दुश्मन की भी अच्छाइयां याद रखे और दोस्त की भी बुराइयां याद रखे। दोस्त को अकेले में उसकी बुराइयां बताए और दुश्मन की अच्छाइयों को याद रखते हुए सीखे। नरेंद्र मोदी से मेरे 100 इख्तलाफात हो, अपने मुल्क की इकॉनमी के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ, बहुत बड़ा एक हीरा साबित हुआ। आपको याद होगा ओबामा साहब जब थे सदर अमेरिका के, सुपर पावर के, अमेरिका नहीं कहूंगी सुपर पावर जिसकी मुट्ठी में तमाम लोग बंद हैं, सर उस अमेरिका के सदर ने जाके दौरा किया और कितने मुआहदे तय कर कराया, आई थिंक 68 या 67 मुआहदे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं चले, यहां पे बात खत्म करते हैं। इतने मुआहदे एक सुपर पावर का सदर जाके इंडिया में तय कर आया, किस चीज ने अट्रैक्ट किया, किस चीज ने उनको खींचा वहां पे, नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज ने। देखिए फिजा आपने बेड़ा मुझे बुझा, हम क्या लड़े हैं? जो पसंदीदा क्या लड़े सर, हकाई के बगैर हम क्या लड़े हैं? आप बताएंगे मैंने गलत बात की? एक हिंदू बनिए का किरदार अदा किया, लेकिन सर अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा साबित हुआ। बनिया क्या होता है? एक बिजनेसमैन होता है ना, जो एक बिजनेसमैन ही जो इकोनॉमी को लेके आता है। देखिए हमारे यहाँ डिलेमा क्या है, हम जो अपनी इकोनॉमी को ब्यूरोक्रेसी के जरिए या सिविल क्रेसी के जरिए, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब इकोनॉमी के लिए कौन नरेंद्र मोदी साबित हुआ ये बता दें अब तक। नहीं बिल्कुल जी, मैं तो कहता हूं उसने एक हिंदू बनिए का किरदार अदा किया है, और बड़ी अफसोसनाक बात यही तो मैं कह रहा हूं कि देखिए सफारतखाना क्या होता है, वहां डिफेंस अटैच ही होता है, वहां कल्चरल अटैच ही होता है, वहां ट्रेड अटैच ही होता है। सबसे ज्यादा अहमियत दुनिया के हर मुल्क के सफारतखाने में ट्रेड अटैच ही को होती है, जिसने जाके बताना है। देखें मैं ये खुद देख चुका हूं, दुबई में जो हिंदू सफीर है इंडिया का, वो चावल के पैकेट लेके उसके नमूने वो मार्केटों में खुद गया कि जी ये चावल जो है मैं आपको बेचना चाहता हूं। तो कितना अच्छा जेस्चर है ना सर, ये कितना अच्छी मार्केटिंग स्किल्स है ना ये, फिर अगर कहा जाए तो ना, यही तो अब यही तो बात है, मैं यही तो कहता हूं कि वजीर आजम इमरान खान जो है, मुझे बजहर ऐसे लगता है कि वो और उनकी टीम जो है इसी तरह की तब्दीलियां, आप देख खारजा पॉलिसी ये नहीं होती कि आप एक स्टेट खारजा पॉलिसी में आपको जो आपकी जो ग्राउंड जिसपे आपने खेल लें वो सफारत खाना है, उसको आप इतना फाल बनाएंगे कि वो आपके कल्चर को प्रमोट कर सके, वो आपके ट्रेड को प्रमोट कर सके, वो आपके जो डिफेंस मामला है उसको जो है ना एक बतौर अस्करी मायर के वो उसको। चलिए डॉक्टर, दुश्मन की भी कुछ अच्छी बातों से हमें सीखना चाहिए। 100 इख्तलाफात हो मुझे नरेंद्र मोदी से, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए इतना अच्छा साबित हुआ कि सुपर पावर के जो साबिक सदर थे उनको इंडिया जाना पड़ा और जाके मुआहदे साइन करने पड़े। किस चीज ने अट्रैक्ट किया उन्हें, किस चीज ने उनको खींच के वहां तक पहुंचा दिया और मुआहदे साइन करने में मजबूर कर दिया? नरेंद्र मोदी की जो इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज थी उसने। तो हम अगर अपने दुश्मन से कुछ अच्छा ना सीख पाए तो मेरे ख्याल से फिर हमने कुछ भी नहीं सीखा। तो मुझे दीजिए इजाजत, वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं हमारे हमसाया मुल्क, हमारे रिवायती हरीफ भारत की, जिन्होंने पाकिस्तान को 1947 से ही हजम नहीं किया। प्रैक्टिकली ये वो बताते हैं, मैं नहीं कह रही बल्कि उनके अमली इकदाम बाकायदा इसका मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ अच्छा होता है उनको तकलीफ होती है, पाकिस्तान में कोई अच्छी पॉलिसी होती है उनको तकलीफ होती है, उनका मीडिया इतना चीखता है इतना चिल्लाता है, फिर जब हम जवाब देते हैं तो उस पर भी वो चीखते चिल्लाते हैं कि हमने जवाब ही आखिर क्यों दिया। पाकिस्तान का तमस्कर, पाकिस्तान का मजाक उड़ाना उनकी डेली रूटीन में शामिल हो चुका है। जैसे कि डॉक्टर कहते हैं ना कि दो गोली सुबह, दो गोली दोपहर खाने के बाद, दो गोली रात को खाने के बाद, पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो जाए तो वो दो दो घंटे के, तीन तीन घंटे के, चार चार घंटे के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें डिस्कस करते हैं। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि मैंने अपने दो घंटे के प्रोग्राम में लास्ट 20 मिनट्स में डिस्कस करना जरूरी समझा, लेकिन अगर आप होते पूरे दो घंटे पाकिस्तान के बारे में तुंदो तेज नश्तर बरसाते तनकीद के और बड़े खुश होकर बरसाते, क्योंकि आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो जाए, जैसे कि डैम बन जाएगा पाकिस्तान में तो आपको तकलीफ होती है, पीटीआई की गवर्नमेंट जब आ रही थी तो आप लोग बड़े ज्यादा परेशान दिखाई देते थे, बल्कि यहां तक कहा जाता था कि इन्वेस्टमेंट बकायदा की जा रही थी कि गवर्नमेंट यहां पे ना आए। आपसे दो साहब की बात कर लेते हैं जी, एक नॉन क्रिकेटर हैं, अगर उनकी इमरान खान साहब से दोस्ती है हमारे वजीर आजम साहब से और वो पाकिस्तान आ जाते हैं और आने के बाद उनको मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा दिखाई देती है, रिगार्ड मिलते हैं उनको हमारी जानिब से, हमारी अफवाज की जानिब से, जिस जिससे मुलाकातें उनकी हुई, हमारी
सियासी जमातों के लोगों से, पीटीआई की गवर्नमेंट से, अगर उनको रिगार्ड दे दिया, पाकिस्तानी अवाम ने उनको मोहब्बत दी, उनको रिगार्ड दिया, इज्जत दी, और उन्होंने जाके गलती से मैं कहूंगी कि सिद्धू साहब ने हमारी तारीफ कर दी। सिद्धू साहब तानू तारीफ नहीं करनी चाहिए सी, तानू नहीं पता सी तुसी केड़े मुल्क च रहंदे हो, जिते तुसी तारीफ करोगे मुसलमाना दी पाकिस्तान दी तो तानू सजा मिलेगी। तो हुण तुसी तैयार हो जाओ सजा लैण लई, क्योंकि तुहाडा कसूर यह है कि तुसी तारीफ की उत्थे जाके पाकिस्तानियां दी, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी दी, तो उन्होंने ढिड च हुण पीड़ शुरू हो गई है कि पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हमारा हिंदुस्तान में बसने वाला कोई सिद्धू साहब। और आपको बता दें 20 साल पुराना केस था, आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा कि 20 साल पुराना केस सिर्फ पाकिस्तान आने की वजह से खुल गया है। तो आप में से जिस जिसके दुश्मन इंडिया में मौजूद हैं, और अगर वो आप चाहते हैं कि उनके पुराने केसेस खुल जाएं, तो आप उनको कि जरा पाकिस्तान का दौरा तो करके आए, उनकी गवर्नमेंट उनके केसेस ही खोल देगी। लिटरली फनी सिचुएशन है, फनी। इस पे भी प्रोग्राम कीजिएगा इंडियंस, अगर आप सुन रहे हैं ना, इस पे प्रोग्राम कीजिएगा, हमें इसका जवाब चाहिए। आपको बता दें 1998 में सिद्धू साहब थे, उनकी दोस्त थे, उनकी गाड़ी की जद में आया एक शख्स और हलाकत हो गई, एक्सीडेंट का केस था। और वो फैसला जो आया था, आपको बता दूं कि 99 में बकायदा उनको बरी कर दिया गया था, और उस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था, और सेशन कोर्ट ने उनको बरी किया था, फिर हाईकोर्ट में उसको चैलेंज किया गया था अकॉर्डिंग टू लॉ। और उसके बाद 2006 में दोनों को पहले बरी किया जाता है, फिर 2006 में दोनों को 3 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट से जब रुजू किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक जुर्माना होता है, जो अमाउंट होती है, वो आयद करने के बाद दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया। दोबारा सुन ले, बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन अब जो हलाक शहरी के लवाहिकीन है, जो कि 1998 का वाकया था, एग्जैक्टली 20 साल पीछे चले जाएं, उनको अब याद आता है कि तुसी तो साडा बंदा मारिया सी, तो तानू सख्त सजा क्यों नहीं हुई, क्यों अभी आपको याद आ गया। बाइज्जत जिनको आपने बरी किया था, उनको पाकिस्तान में जो इज्जत दी गई वो आपको हजम नहीं हुई, तो आपने कहा चलो जब इसको जलील करो, अब वो पुराना 20 साल पुराना मुकदमा ढूंढो, कुछ और नहीं मिल रहा तो ये मुकदमा ढूंढ लेंगे। दिस इज कॉल्ड सेक्युलर इंडिया। शेम ऑन यू इंडिया, शेम ऑन यू इंडिया। अब किस मुंह से तुम लोग पाकिस्तान के बारे में बात करोगे? सबसे बड़े आतंकवादी तुम लोग हो, जो किसी इंसान को जीने नहीं देते, सिर्फ इस बात पर कि पाकिस्तान में क्यों आया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, आई एम स्पीचलेस। डॉक्टर साहब आपको को समझ आ रही है? कभी ऐसा हुआ कि 20 साल पुराना केस खोल दिया गया सिर्फ इतनी सी बात पे कि पाकिस्तान गया कोई क्यों, और पाकिस्तान की तारीफ क्यों कर दी हकायक पे मबनी? हमने सिद्धू साहब को पैसे तो नहीं दिए थे तारीफ करने के लिए? देखें फिजा, जो भारत का रवैया है ये कोई नई बात नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है, भारत पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है। मैं तो बल्कि हैरान होता हूँ लोगों पर जो ये समझते हैं कि शायद भारत से हम कोई तजारत बढ़ा लेंगे, या कुछ उनसे कोई बिजनेस को ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उसकी एक वजह है दो कौमी नज़रिया। ये बात नेहरू ने भी और गांधी जी ने भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बहुत मरतबा करने की कोशिश की कि हम दो अलग अलग मजहब के लोग हैं, लेकिन हम कौम एक हैं, हम भारत, हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन कायदे आजम ने हमेशा ये जवाब दिया कि नहीं, हम दो अलग अलग कौमें हैं। और यही हकीकत है, जब इस हकीकत को तस्लीम करने में थोड़ी सी लचक दिखाई जाएगी तो फिर उनकी बालादस्ती सामने आ जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि दो कौमी नजरिया ही पाकिस्तान की बुनियाद है और हमारी ताकत का एक मंबा है। सर आतंकवादी का वर्ड ये यूज करते हैं पाकिस्तान के लिए, हर फोरम पे, बड़े फोरम पे जाके पाकिस्तान को इन्होंने एक क्रिमिनल कंट्री, एक टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर किया हुआ है। मूवी तक बना चुके हैं पाकिस्तान के बारे में। तो सर मुझे बताएं कि ये मोदी साहब, अगर हम इनसे सवाल पूछें तो मोदी साहब अपने लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? आतंकवादी को भी मेरे ख्याल से डबल या ट्रिपल करके उसको स्क्वेयर लेके क्यों ले लें? कोई खतरनाक वर्ड होगा जो नरेंद्र मोदी खुद अपने लिए चूज कर ले? फिजा, इनकी भारत की फिल्म इंडस्ट्री एक मजबूत इंडस्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सर अंडरवर्ल्ड सपोर्ट करता है ना, एक आतंकवादी कलम निकाला है, अंडरवर्ल्ड फिल्में बनाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया का बजट देखिए आप कितना है। इंटरनेशनल मीडिया ने ये हमेशा एक्सपोज किया है कि कोई भी पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी मुल्क में कभी दहशतगर्दी के किसी काम में मुलव्वस नहीं रहा है, चाहे अमेरिका में वारदातें हुई हैं, चाहे कहीं भी किसी फ्रांस में कोई, अगर कोई मुसलमान भी है तो उसका ताल्लुक कभी पाकिस्तान से नहीं साबित हुआ, ना पाकिस्तानी ने कभी ऐसी बात की, ना ही पाकिस्तानी एक पुरअमन कौम है, पाकिस्तानी अमन चाहते हैं, पाकिस्तानी जो है इनके साथ दहशतगर्दी की गई है। अब इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि इंडिया के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात चाहिए,
मैं उनकी बात को गलत नहीं कहूंगी क्योंकि जाहिरी बात है हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे क्योंकि मामला टेबल टॉक से ही हल होते हैं। कश्मीर का इशू जो कि बहुत बड़ा इशू है दोनों कंट्रीज के दरमियान, वो इशू टेबल टॉक के अलावा हल नहीं होगा। जंगें, अटैक्स, किसी बात का हल नहीं होता, मामला फिर हमेशा टेबल पे बैठ कर ही हल होता है। ये आप यकीनी तौर पर समझेंगे और मेरी बात को सेकंड करेंगे, हर पढ़ा लिखा शख्स मेरी बात को सेकंड करेगा। लेकिन सर, ताली दो हाथ से बचती है, एक हाथ से नहीं बचती। डॉक्टर साहब, अगर इंडिया इसी तरह की पॉलिसीज पे गामजन रहेगा, नरेंद्र मोदी की यही जाहिलाना सोच रहेगी कि वो मुसलमानों की, चले पाकिस्तान की तारीफ करने वाला, हम ये कह देते हैं पाकिस्तान में जिसने विजिट किया, जिसने पाकिस्तान की तारीफ कर दी वहां जाके, तो उसके 20 साल पुराने मुकदमात खोल दिए गए, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या हम अकेले ही हाथ बढ़ाते चले जाएंगे दोस्ती का? तो मोदी साहब कहेंगे अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, देखते हैं, सोचते हैं, और वो इस तरह के अमली इकदामात करते चले जाएंगे, हमारी दिलाजारी करते चले जाएंगे, तो क्या ये दोस्ती या एक अच्छा ताल्लुक परवान चढ़ता आपको दिखाई देता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सफारत खाने और थाने में दोबारा आऊंगा निजाम की तरफ। शाह महमूद कुरैशी जो है वो वजीर खारजा मुकर्रर हुए हैं, वजीर आजम इमरान खान जो हैं वो पिछले ISI के ऑफिस भी हुए हैं, GHQ भी होके आ गए हैं, और उन्होंने ये क्लियर कट एक्सटांस दिया है कि पाकिस्तानी फौज, अस्करी इदारे और हुकूमत पाकिस्तान ये सब एक पेज पर हैं। ये दरअसल एक तासुर दिया गया है बैन अल-अक़वामी बरादरी को, ये खारजा पॉलिसी का एक अहम सतून है, एक अहम हिस्सा है कि इस वक्त फौज और हुकूमत एक पेज पर है। अब आ जाए खारजा पॉलिसी पर, अब जो वजारत खारजा उसके किरदार पर, सफारत खानों को उन्होंने करना है, मोदी से कैसे निपटा जाएगा? मोदी से सिर्फ बयानों से नहीं, आप बयान देकर आप निपट नहीं सकते। आप कश्मीर का जो इशू है उसको खाली महज टेबल पे डायरेक्ट नहीं ला सकते। आप 70 साल से इस इशू के लिए जंग लड़ रहे हैं, आपको करना क्या होगा? आपकी हुकूमत को सफारत खानों को तब्दील करना होगा, आपको मजबूत लोग लाने होंगे वहां पर, मेरिट पर लोग लाने होंगे, भांजे भतीजे निकालने होंगे। अली जहांगीर सदीकी एक भांजा भतीजा वाला केस है, उस आदमी का काम ही नहीं है अमेरिका में जाके, उसने पाकिस्तान को पसपाई दी है अमेरिकन लॉबी में, उसने भारत की लॉबी को आगे बढ़ने दिया है, पाकिस्तान को पीछे किया है। वो मियां साहब की रहाई चाहता था, इसके अलावा कुछ नहीं, उसका कोई मिशन नहीं था उसको इस स्टेज के ऊपर अमेरिका में सफीर मुकर्रर करने का। मैं ये समझता हूं कि खारजा पॉलिसी जो है उसका सफीरों से और सफारतखानों से अहम तरीन अमली ताल्लुक होता है। मेरी बात सुनिए, आप एक पहलू निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा पहलू आप डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा सवाल है वो ये है कि चले हमारी खारजा पॉलिसी जो भी हो, हम हर जगह पर बैकफुट पे क्यों आते हैं, हमारे सफीर क्यों नालायक लोग लगाए जाते हैं? डॉक्टर साहब देखिए, हमारा भतीजा भी चाहिए, हमारा सफीर बहुत ज्यादा ब्रिलियंट भी होगा, बहुत एफर्ट्स भी करेगा, हम अगर एक पेज पर ये होंगे कि हमें अच्छे ताल्लुकात चाहिए तो हम उसके लिए एफर्ट करेंगे, लेकिन जब अगला एफर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होगा, वहां पे पाकिस्तान की तो तारीफ करेगा, उसके 20 साल पुराने मुकदमात खोल दिए जाएंगे, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हमें भारत के झूठ को बेनकाब करना है, उसकी इस तरह की कार्रवाइयों को बेनकाब करना है, वो कैसे करेंगे? या पाकिस्तान में बैठकर करेंगे? क्या दुबई में जो हमारा सफीर है वो हम पाकिस्तान में बैठकर उसका फरीजा अदा करेंगे? वहां पर हिंदू सफीर कैसे आगे आ रहा है दुबई में? सऊदी अरब में कैसे हिंदू सफीर आगे बढ़ रहा है? या ओमान में कैसे उन्होंने आगे बढ़कर अपना वो काम बनाया है? या कनाडा में कैसे?